नमस्कार दोस्तों, स्वागत सभी टेक्नो वर्ल्ड में, मेरा नाम विशाल। और दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं फ्रीलांसिंग के बारे में 2021 में। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं आपका करियर स्टार्ट करने के लिए एज एन फ्रीलांसर 2021 में, तो दोस्तों क्यों आपको 2021 में स्टार्ट करना चाहिए उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे एसेंशियल थिंग, अगर आप यहाँ पर नहीं जानते हैं कि फ्रीलांसर क्या होता है, तो अगर मैं इसको सबसे शॉर्टेस्ट वे में एक्सप्लेन करूँ, तो अगर आपके पास में कोई स्किल है और किसी अनदर पर्सन को उस स्किल की ज़रूरत है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको वेबसाइट डेवलपमेंट आता है और किसी एक शॉप को ज़रूरत है एक वेबसाइट की, और आप उसके लिए एक वेबसाइट बना सकते हैं, तो आप उसके लिए एक फ्रीलांसर होंगे। इसका मतलब ये होता है कि फ्रीलांसर कहीं भी टाइड अप नहीं होता है। जॉब में जैसे होता है कि आप टाइड अप हो जाते हैं एक कंपनी के साथ में, तो फ्रीलांसिंग में हम टाइड अप नहीं होते। हम किसी भी एक पर्सन के साथ में हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट, मे बी वो एक हम कह सकते हैं वर्बली भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है जब आप स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास में रिटन कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होते, हम वर्बली भी एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि ठीक है मैं आपको वेबसाइट बना के दे दूंगा, इतना इतना चार्ज लगेगा। तो इस तरीके का आप जब सर्विस प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअली, तो इसको हम फ्रीलांसिंग कहते हैं। अब दोस्तों 2021 में आपको फ्रीलांसिंग क्यों स्टार्ट करनी चाहिए इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे एसेंशियल थिंग यहाँ पर ये है कि 2020 से लेकर 2021 में हमको काफ़ी ज़्यादा एक नंबर जो देखने को मिला है वो हाई है इन द इंक्रीज ऑफ फ्रीलांसर्स। तो दोस्तों फ्रीलांसर्स का जो नंबर काफ़ी हद तक यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, और सिर्फ इंडिया में अगर हम बात करें तो देयर इज़ एन 160% ऑफ ग्रोथ इन द नंबर ऑफ फ्रीलांसर्स। मतलब कि इंडिया में जो ग्रोथ है फ्रीलांसर्स का वो 160% से है। तो दोस्तों अगर आप फ्रीलांसिंग करने के सोच रहे हैं तो इससे बेटर टाइम आपके लिए नहीं आ सकता है। और बाय द वे मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि हम फ्रीलांसिंग के ऊपर एक कंप्लीट सीरीज बना रहे हैं हमारे एक न्यू चैनल के ऊपर, प्रोग्राम हब। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि कंप्लीटली इंग्लिश में होने वाला है, और काफ़ी सारे लोगों का यहाँ पे बार बार क्वेश्चन आ रहा था कि मैं इंग्लिश में क्यों नहीं कन्वर्जेशन करता हूँ, तो दोस्तों फाइनली हमने एक न्यू चैनल को क्रिएट किया जिसका नाम है प्रोग्राम हब, और इसके ऊपर हम एक कंप्लीट न्यू सीरीज को लेकर आ रहे हैं फ्रीलांसिंग के लिए। तो अगर आप फ्रीलांसिंग के बारे में सीखना चाहते हैं या फिर जानना चाहते हैं, और हर एक एस्पेक्ट को, मतलब कि क्लाइंट कैसे फाइंड किया जाए, क्लाइंट को प्रपोजल कैसे सेंड किया जाए, किस तरीके से आपको ईमेल करना चाहिए, किस तरीके से आपको बात करनी चाहिए, ईमेलिंग एथिकेट्स क्या होते हैं, हर एक चीज़ के बारे में, हर एक एस्पेक्ट्स के बारे में, और आपके सभी डाउट्स को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे इसके ऊपर। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बैक आते हैं हमारे इस टॉपिक के ऊपर कि फ्रीलांसिंग 2021 में आपको क्यों स्टार्ट करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला रीज़न तो ये है कि बहुत ज़्यादा एक हाई नंबर में यहाँ पे फ्रीलांसर्स में ग्रोथ हो रही है। तो देयर इज़ एन 160% ऑफ ग्रोथ इन इंडिया ओनली, और उसी के साथ में अगर हम फिलीपींस में बात करें, देयर इज मोर देन 200% ऑफ ग्रोथ फ्रीलांसर्स का जो नंबर्स में यहाँ पे ग्रोथ हमको देखने को मिला। उसी के साथ में काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट हुए हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो भी इंडस्ट्रीज थे, जो भी कॉरपोरेशंस थे जो रन हो रहे थे, अब सभी के सभी जो पीपल है वहाँ पे कम्प्लीटली रिमोट वर्क कर रहे हैं, या फिर वो लोग फ्रीलांसर्स की मदद ले रहे हैं प्रोजेक्ट्स के लिए, क्योंकि वहाँ पे उनके लिए वो चीज़ ईजी है कि एक फ्रीलांसर के साथ में वर्कआउट करना, जो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए उनके साथ में प्रोजेक्ट में रहेगा, उसके बाद में कम्प्लीटली फ्री है कहीं भी और जाने के लिए, और कंपनी के ऊपर भी कोई बहुत बड़ा एक हम कह सकते हैं कि कोई बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसके बाद में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने कम्प्लीटली फ्री हो जाते हैं। तो दोस्तों इसलिए अभी जो पहले 76% कंपनीज थे जो कि फ्रीलांसर्स का एक्सपर्टीज़ को यूज़ करते थे, अब कम्प्लीटली जो नंबर है चेंज हो रहा है, क्लोज़र टू 100% आ रहा है। उसी के साथ में कुछ सेक्टर्स हैं जैसे कि हेल्थ केयर सेक्टर्स हैं, मेडिकल सेक्टर्स हैं, फिर गवर्नमेंट हैं, बिजनेसेस हैं, उसी के साथ में गेम डेवलपमेंट है, फिर ई कॉमर्स सेक्टर्स हैं, ये सारे जो सेक्टर्स हैं वहाँ पर हमको एक हाई अमाउंट ऑफ इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है फ्रीलांसर्स के नीड एंड रिक्वायरमेंट के लिए। तो दोस्तों अगर आप स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो इससे बेटर टाइम आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वन ऑफ द सबसे बेस्ट टाइम है जहाँ पे आप अपने फ्रीलांसिंग स्किल्स को यूज़ कर सकते हैं, उसी के साथ में आप यहाँ पे अपने लिए एक रेवेन्यू मॉडल भी जनरेट कर सकते हैं, साथ में अपने लिए एक अच्छा करियर भी बना सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग मे भी होंगे जो कह रहे होंगे कि फ्रीलांसिंग आपको स्टार्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, और लाइक यहाँ पे पेड क्लाइंट्स हमको नहीं मिलते बहुत ही ईजीली। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल है, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं है यहाँ पे इशूज़। हर एक जो कॉइन होता है उसका एक प्रोज साइड होता है, एक कॉन साइड होता है, तो हर कॉइन के दो पहलू होते हैं। तो उसी तरीके से जैसे जॉब में आपके पास में अच्छाइयाँ होती हैं, बुराइयाँ होती हैं, उसी तरीके से फ्रीलांसिंग में भी अच्छाई होती है, बुराई होती है, लेकिन
क्योंकि इस टाइम में सभी जो भी ऑफलाइन वर्कर्स भी थे एक्चुअल में, जो पहले कंपनीज में जाके काम करते थे, अब वो भी जो है वो रिमोटली वर्कआउट कर रहे हैं। तो दोस्तों रिमोटली वर्क करने की वजह से अब जो एक्चुअल में जो प्रोजेक्ट डीलिंग जो थी, पहले लोग सोचते थे कि हम किसी ऑफलाइन टीम को देंगे जो हमारे सामने सामने होगा और क्रिएट करके देगा, अब पीपल यहाँ पे, क्योंकि अब ऑफलाइन टीम्स तो बची ही नहीं है, मोस्टली जितने भी लोग हैं सब लोग यहाँ पे रिमोट वर्क ही कर रहे हैं और फ्रीलांसर्स को ही फिर यहाँ पे चूज़ करना सबसे बेटर ऑप्शन हो जाता है। तो दोस्तों इसीलिए यहाँ पे एक इंक्रीज़ है। और अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास में राइट स्किल नहीं है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास में एक स्किल भी है, एक स्किल मे भी हो सकता है आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने आता है, या फिर मे भी हो सकता है आपको एक सिंपल वेबसाइट बनाने आता है, या फिर कुछ नहीं आता है तो आपको फोटोशॉप अच्छी तरीके से आता है, और अगर आप अच्छी तरीके से लाइक इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट बना सकते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा स्किल है। आज के समय में काफ़ी सारे बिजनेसेस हैं जो चाहते हैं कि उनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल को आप मैनेज करिए, तो ऐसे समय में आप इन सारे बिजनेसेस को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इनको कॉन्टैक्ट करने के लिए करना क्या है, आपको आपके लोकल एरिया नेटवर्क में सर्च आउट करना है कि किसको ज़रूरत है, उनको प्रपोजल देना है, और अगर उनको इन केस नीड नहीं है इस वक्त तो एटलीस्ट उनके साथ में अपना कॉन्टैक्ट शेयर कर दीजिए ताकि वो आपके पास में वापस आ सकें इन केस जब उनको नीड हो। तो दोस्तों देखिए, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं फ्रीलांसिंग का, तो इससे बेटर टाइम कभी भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इस टाइम पर सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, सब कुछ रिमोट वर्क में चल रहा है, तो रिमोट वर्क में फ्रीलांसर्स का जो नीड और डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो दोस्तों इसीलिए अगर आप सोच रहे हैं, अगर आप एक स्टूडेंट है, अगर आप सोच रहे हैं टेस्ट आउट करने के लिए अपने स्किल्स को, तो इससे बेटर टाइम और कोई नहीं हो सकता है। तो दोस्तों ये था मेरा कंप्लीट ओवरव्यू, और बाय द वे इसके ऊपर मैंने कंप्लीट इन डेप्थ वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है प्रोग्राम आपके ऊपर, जिसका लिंक टॉप राइट कॉर्नर में फ्लैश हो रहा होगा, आप जाके क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसके ऊपर मैंने कंप्लीट इन डेप्थ डेटा के साथ में मैंने इस वीडियो को बनाया हुआ है, जहां पे हमने कंप्लीट एनालिसिस किया इस टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, और इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स है, कोई क्वेरीज है, या फिर अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं फ्रीलांसिंग, तो दोस्तों नीचे कमेंट करके आप हमको ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।